हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई एम डीके एंड आई वेलकम यू टू चैनल मैथ्स विद डीके। तो एक आज का अपना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शनल नंबर का, जो कि इन नंबर सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं, जैसे इस तरह का फ्रैक्शनल नंबर दे दिया जाएगा, ऐसे दे दिया जाएगा और बोलेगा कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में, कहेगा कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। असेंडिंग का मतलब बढ़ते हुए क्रम में। फिर या तो पूछ सकता है, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ लेगा, कि यानी घटते हुए क्रम में। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गया। और या तो दो नंबर में हमें पूछ लेगा कि सबसे छोटा है, और एक क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, और जितने भी एग्जाम होते हैं कहीं ना कहीं आपको ये इस टॉपिक का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आप प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस करेंगे, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो देखो, इस तरह के मेथड है, तो कई तरह के लोग समझाते हैं इसको, लेकिन देखो मैं इसको सिर्फ एक मेथड समझाने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक मेथड, जिसमें इसमें होता है कि जब इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम हो तो क्या कौन सा रूल लगाएंगे, जब डिफरेंस अलग हो तो कौन सा रूल लगाएंगे, ऐसे ऐसे। देखो वैसे अगर जो ट्रिक जितना लिमिटेड हो उतना बढ़िया होता है, क्योंकि याद रखना ज़्यादा ही अच्छा होता है। अगर ट्रिक बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर वो उसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन होने लगता है, बहुत सारी चीज़ें मिक्स होने लगती हैं, तो आंसर किसी और का कहीं और हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें से बचने के लिए देखो, रटने वाली जो चीज़ होती है वो जीएस है। रटो जितना मन उतना रटो जीएस में। जीएस हो गया, उसके पास क्या है, इंग्लिश है, उसमें भी रटो जितना रटना है, पूरा एकदम जोर लगाकर रटो। लेकिन मैथ में भी रटने लगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मैथ एक मैथ समझने वाला सब्जेक्ट है। आप इसको समझ लेंगे, और कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हम लोग हाई स्कूल इंटर उसमें मैथ पढ़ते थे वो वाला मैथ, नहीं, बिल्कुल उससे ये अलग है। यहाँ पर बस क्या है, टेक्निक है, सिखाना है कि कैसे कैसे हम किस तरह से टेक्निक का यूज कर कितने आराम से आंसर निकाल लेते हैं। तो देखो, अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर दिया रहेगा तो हमको सिर्फ एक मेथड हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, जो कि है डिजिटल सम मेथड। कौन सा हो जाएगा, डिजिटल सम मेथड। ठीक है, तो ये मेथड हम डिजिटल सम मेथड, ठीक है, तो डिजिटल सम मेथड हम देखने वाले हैं। डिजिटल सम का मतलब होता है कि जो नंबर दिए होते हैं उनका क्या होता है कि उनके जो भी अंक हैं, जैसे कि 7, 4, 6 मान लेते हैं, तो इनका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, यानी इनके अंकों का योग। डिजिटल सम का मतलब हो गया इनके अंकों का योग है, तो इनके अंकों का योग क्या कहना चाहिए, 11, 6, 17। तो ऐसे डिजिटल सम मेथड, यानी इनके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो इसी तरीके से बस एक मेथड लगाकर चाहे जितने भी बड़ा फ्रैक्शन दे, या देखो ये तो 1 डिजिट का है, मान लो 2 डिजिट अपन 2 डिजिट दे दे, 3 डिजिट अपन 3 डिजिट दे दे, मतलब 3 अंक ऊपर और 3 अंक नीचे, ऐसे करके अगर दे दे तो चाहे जितने भी बड़ा फ्रैक्शनल नंबर दे दे, उसमें आपको किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं आएगी। आप बिना पेन और पेपर के भी आंसर दे सकते हैं। बस एक बार मैं सिखा देता हूँ, फिर आप देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, पहले इसी में जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन्हीं क्वेश्चन पर मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। अरे चलो, जब तक करेंगे तब तक क्वेश्चन लिखा जाएगा। तो देखो इसमें करना क्या है, इसमें करना है कि जैसे मान लो फ्रैक्शन नंबर, कोई भी फ्रैक्शन नंबर दिया रहेगा, मान लेते हैं 3 upon 5, 7 upon 9, 2 upon 7। अगर ऐसे मान लो 3 फ्रैक्शनल नंबर दिए हैं, इसे हमें कंपेयर करना है, ठीक है। देखो मैं इसको डिजिटल सम मेथड से समझाने वाला हूँ, और एकदम आराम से, एकदम समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इस बात की तो गारंटी है। बस आप एक बार पूरा वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। तो चलो देखो, डिजिटल सम मेथड का क्या है, देखो यहाँ पर डिजिटल सम लगाने का कोई बात ही नहीं, यहाँ पर करना क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, जो भी आएगा यहाँ ऊपर लिखे हैं 9 3 27, यहाँ पर 9 3 27 लिख लिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिए, 7 5 35, तो यहाँ लिख लिए 35। अब बस इसमें कंपेयर कर लेना है कि इसमें बड़ा कौन है, इसमें कौन बड़ा है, 35 बड़ा है, तो हमें ये नंबर मिल गया बड़ा, ठीक है। तो यहाँ से एक नंबर हमको कौन सा मिल गया, अब देखो ये बड़ा मिल गया, चलो ठीक है, अब हो गया इसका काम खत्म। बस आपको समझना है, बस देखते रहिए मैं कर क्या रहा हूँ, बस इसी चीज़ को समझते रहिए, उसके बाद से काम हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें से ये मिल गया, ठीक है, 2 नंबर में कंपेयर कर लिए, अब देखो ये बड़ा मिल गया, चलो अब इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं, इन दोनों में कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कौन बड़ा मिलता है। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिख देंगे कितना जाएगा 49, इसको इससे मल्टीप्लाई 9 2 18, तो 18 आ गया। अभी भी देखो ये बिल ये नंबर हमको सबसे बड़ा मिल गया, ठीक कौन सा मिल गया, ओके देखो तो ये नंबर सबसे बड़ा मिल गया। चलो अब कंपेयर कर लेते हैं, किसमें किसमें कंपेयर कर लेते हैं, अब इसमें और इसमें कंपेयर कर लेते हैं। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर लिख लेंगे 21, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10। अब देखो इसमें कौन बड़ा हो गया, इन दोनों नंबर में ये बड़ा हो गया। तो देखो अरेंज कैसे करना, सबसे छोटा जो हो गया सबसे छोटा इसको लिख लिए, उसके बाद से कौन सा आ गया जो है, देखो जिसके तरफ मुंह खुला रहेगा वो बड़ा होता है, उसके बाद से कौन सा आ जाएगा 3/5 आ जाएगा, इसके बाद से कौन सा आ जाएगा 7/9 आ जाएगा। तो देखो ये देखो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इसका मतलब ये कौन सा ऑर्डर हो गया, यानी ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब घटता हुआ का, इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम, इसको घटता हुआ क्रम कहते हैं, लेकिन ये हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अवरोही क्रम, अवरोही, अवरोही की अरोही, अवरोही क्रम कहते हैं, अवरोही क्रम, ठीक है। तो देखो ये अवरोही और आरोही क्रम में हमको अरेंज करने के लिए पूछता है, तो इस तरह का अगर तो देखो 1 डिजिट का है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जब 2 डिजिट हो 3 डिजिट हो, सिर्फ एक ही मेथड याद करना है, बस क्या है कि जो देख जो सॉल्व करा रहे हैं बस उसको आप देखते रहिए। अब देखो इसी में हम इसी में क्या करते हैं, इसी को 2 डिजिट बना लेते हैं, इसी नंबर को क्या कर लेते हैं 2 डिजिट बनाते हैं, 2 डिजिट बनाने के लिए इसको कर लो 13 कर लो 15 कर लो, चलो इसको 17 कर लिया, इसको 19 कर लिया, 2 डिजिट बना रहे हैं। अब इसको क्या कर लेते हैं, इसको 12 कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 17, ठीक है। अब 2 डिजिट का नंबर, अब इसमें देखते हैं कि अब क्या करना है, तो देखो करना कुछ नहीं था, हमें डिजिटल सम मेथड यूज करना है, कौन सा मेथड यूज करना है, डिजिटल सम मेथड। इसका क्या मतलब हो गया कि 3 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5 और 1 मिलकर 6 हो जाएगा, ठीक है 7 और 1 मिलकर 8 हो जाएगा, और 9 और 1 मिलकर 10। देखो यहाँ पर 9 को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, बस एक बार डिजिटल सम मेथड लगाना है और 9 को इग्नोर नहीं करना, ऐसा नहीं है कि यहाँ 9 और 1 को क्या कहते हैं 9 को 0 मान लेंगे, नहीं यहाँ पर ऐसे नहीं करना है, बस इस चीज़ का आपको ध्यान में होना चाहिए। तो 9 और 1 हो गया 10, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा 3, और यहाँ से हो जाएगा 8। अब देखो करना फिर वही काम करेंगे, 10 4 जा 40, तो यहाँ से क्या मिलेगा 40 मिल जाएगा, और 6 4 जा 48, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा। अब देखो मिला कौन सा, अब ये वाला जो है 17/19 हमको क्या मिल गया, इससे बड़ा मिल गया, चलो ठीक है। अब इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं, तो देखो इससे कंपेयर करके, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 8 8 8 64, यानी 8 8 जा 64 हो जाएगा, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 3 जा 30 हो जाएगा। देखो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे समझाना है कि मैं कर क्या रहा हूँ, तो इसलिए मुझे लिखना पड़ा। देखो सबसे बड़ा नंबर, अभी भी सबसे बड़ा नंबर हमको कौन सा मिल गया, अभी भी जो है सबसे बड़ा नंबर मिल गया ये बीच वाला, ये हो गया सबसे बड़ा नंबर। चलो अब इसको हम छोड़ देते हैं, अब हम कंपेयर किसको किसमें करते हैं, तो देखो अब कंपेयर हमको करना है इस वाले में, पहले में और तीसरे में कंपेयर करना, पहले और तीसरे में कंपेयर करना। तो देखो इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 34, 8 4 को 32 हो जाएगा, और 6 3 18, मतलब ये नंबर हमारा बड़ा आ गया। तो देखो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, इसके बाद से कौन सा हो जाएगा 13/15 हो जाएगा, इसके बाद से कौन सा हो जाएगा ये 12/18, तो ये अपना हो जाएगा, ये देखो ये कौन सा क्रम में रखा गया है, ये डिसेंडिंग क्रम में रखा गया है, ठीक है अवरोही क्रम में रखा गया है। तो चलो ठीक है, इसको 2 डिजिट बनाकर मैंने सॉल्व किया तो ये आंसर आया। चलो इसी क्वेश्चन को 3 डिजिट बनाकर सॉल्व करते हैं, बस देखो एक ही मेथड याद रखना है, और कैसे कैसे मैं इसको अटेम्प्ट कर रहा हूँ सिर्फ आप उसको देखते रहिए, ये समझ में आना आ जाएगा इस बात की तो गारंटी है एकदम। अब अगर वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे तो ये समझ में ना आए ऐसा नहीं हो सकता, और जब भी आपको क्वेश्चन करना है चलो 3 डिजिट को बिना पेन चलाए ही सॉल्व करना है, कुछ भी 3 डिजिट ले लो 2 3 4/5 7 6 कुछ भी ले लेते हैं, और यहाँ पर कर लेते हैं 4 8 9/7 8 9 कुछ भी ले लेते हैं अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ कर लेते हैं 5 4 6/ यहाँ कुछ और ले लेते हैं 9 7
तो चलो कुछ भी दो, जो मन करे। देखो ऐसे ही मैंने अपने आप कोई भी नंबर ले लिया है और इसमें हमें कंपेयर करके बताना है, चाहे अवरोही क्रम में लिखो या आरोही क्रम में। अवरोही का मतलब हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, और एक होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर इसका मतलब होता है आरोही क्रम, आरोही क्रम, ये होता है आरोही क्रम। ठीक है, तो चलो इसमें देखो ये दो आरोही क्रम के। देखो डिसेंडिंग का मतलब होता है कि बढ़ते हुए, सॉरी डिसेंडिंग का मतलब होता है कि घटते हुए, घटते हुए। देखो जब अब छत से नीचे उतरेंगे तो वो घटता हुआ क्रम हो गया, अब नीचे से छत पर चढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बढ़ता हुआ क्रम हो गया। तो ठीक है, असेंडिंग मतलब कि एक से काउंटिंग करते जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये कौन सा क्रम हो जाएगा, ये असेंडिंग क्रम हो जाएगा, मतलब आरोही क्रम। और जब 100 से नीचे काउंटिंग करते हुए या 10 से नीचे काउंटिंग है, 10 9 8, तो ये क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग क्रम हो जाएगा, मतलब अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम। तो चलो अब इस नंबर में बताना है, देखो डिजिटल सम मेथड यूज करना है। एक बार डिजिटल सम लगाओ, सिर्फ एक बार डिजिटल सम लगाना है, दो बार नहीं लगाना है। दो बार लगाओगे तो आंसर आ जाएगा गलत, तो सिर्फ एक बार डिजिटल सम लगाना है। देखो इसको करना क्या है, 4 3 7 2 9, तो बस इसके। अब ऐसा नहीं है 9 को इग्नोर करना है, 9 को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। इसका डिजिटल सम लगाओ, 7 5 12 6, 7 5 12 6 18, तो यहाँ 18 लिख लो। फिर इसका डिजिटल सम लगा लो, 9 7, देखो 9 7 15 और 8 7 15 9 कितना हो जाएगा, 15 9 24 हो जाएगा, 24। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, 24। फिर इसको इसको ऐड कर, देखो इसको कहते हैं 9 17 4 21, तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे 21। फिर इसको देख लेते हैं क्या हो जाएगा, 11 9, इसको यहाँ कितना हो जाएगा 20, इसको ऐड करेंगे 5 5 9 6 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 15। बस कुछ करना नहीं है, देखो बस इतना काम हो गया। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 24 9 कितना हो जाएगा, 24 9 क्या हो जाएगा, तो 24 को देखो जो भी है 24 9 देख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 9 चौको 36 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 चौको 36 36, और 9 18 9 18 और 3 हो जाएगा 21। ठीक है, 216 18 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 18 कम 18 हो जाएगा, 18 2 36, 18 कम 18 36, 1 हो जाएगा 37। अब देखो बड़ा इसमें कौन हुआ, 216 बड़ा है कि 378, 378 बड़ा है कि 2, तो ये हो गया बड़ा। ठीक है, तो अब हमको एक मिल गया बड़ा नंबर, कौन सा मिल गया, बीच वाला मिल गया, अभी अभी बीच वाला बड़ा नहीं मिला है। अब इसका इससे कंपेयर कर लेते हैं, तो यहाँ से देखो यहाँ, अब इसको हटा देते हैं, इसका काम खत्म। जब कंपेयर कर लेंगे तो वो नंबर का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब जब इससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 21 2 42 हो जाएगा, 420। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 15 चौको 60 हो जाएगा, 15 2 30 और 6 36, तो हो जाएगा देखो, तो ये 420 है, 360 है, तो ये सबसे बड़ा हो गया। तो देखो सबसे बड़ा नंबर जो है वो 489 हमको मिल गया, सबसे बड़ा नंबर। चलो ठीक है, अब देखते हैं इसका काम हो गया खत्म। ठीक, अब हमको कंपेयर किसके किसके बीच में करना है, ये और ये करना है, क्योंकि बीच वाला नंबर तो हमको सबसे बड़ा मिल गया। अब बीच वाला नंबर सबसे बड़ा मिल गया, कंपेयर फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और थर्ड में करना है, तो इसको इसके अंदर बीच में हो जाएगा 180। ठीक है, और 18 इसको इससे करना है, तो देखो जाहिर सी बात है 18 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला नंबर बड़ा मिल जाएगा। तो देखो सबसे बड़ा ये हो गया, फिर उसके बाद ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 546 अपॉन क्या हो जाएगा, 974, ये ग्रेटर देन हो जाएगा कितने, 234 अपॉन 576। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, देखो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अभी तक एग्जाम में इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आए हैं, जब भी क्वेश्चन आएंगे तो 2 डिजिट में आएगा, मैक्सिमम 2 डिजिट तक आएगा, 3 डिजिट 1 डिजिट में आते हैं क्वेश्चन। अगर लेवल बढ़ाना है तो 2 डिजिट करेगा, और लेवल बढ़ाना है तो 3 डिजिट करेगा, इतना सफिशियंट है। चाहे एक ही मेथड है, चाहे किसी भी तरीके का क्वेश्चन इसमें आ जाए, ये आपको हेल्प करेगा, बिल्कुल हेल्प करेगा, और इसमें ज़्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें क्या है, सीखना है। जैसे जैसे मैंने इसको सॉल्व कराया, बस आपको उसी को ध्यान में रखना है, वैसे ही इसको सॉल्व करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ये सब तो आप लोग करते रहिए, क्योंकि ये सब एक्टिविटी आप करेंगे तो वो हम लोग को थोड़ा अच्छा लगता है, कि जैसे कि लोग इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ें उसी एक्टिविटी से पता चलती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब से पता चलता है, तो मेहनत करने का और मज़ा आता है। तो आप लोग अपना काम करते रहिए, हम अपना काम करते रहेंगे, और कंटेंट क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं होगी। अगर आपको फुल मैथ सिलेबस यानी एक सीक्वेंस से पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पता चलेगा कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाया गया, 3 4 चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं, और एक और कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि कंटिन्यू है,
और अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के इतिहास का टेस्ट देना है तो आप नीचे दिए गए लिंक पर, टेलीग्राम लिंक मैथ्स विद डीके वाले लिंक पर आप क्लिक कर लीजिएगा, वहाँ पर आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहाँ क्या है कि आपको हिस्ट्री के टेस्ट मिलेंगे, क्विज मिलेंगे, क्विज में साथ में क्या है कि आप आंसर सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका आंसर सही है तो वहाँ से आपको आंसर पता चल जाएगा, और साथ में उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन, वहाँ पर साथ में एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है ताकि उससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन बन रहे हों तो उसको भी वहाँ पर रखा गया है ताकि आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह के हर एक एक्टिविटी जो भी है, एग्जाम रिलेवेंट जो भी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें आपको इस चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी, बस आपका साथ बना रहे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।